नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज और नामांकन को लेकर प्रत्याशियों की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन कर जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यही नहीं बल्कि प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों को भी अपने पक्ष में वोट के लिए अपने अपने विधानसभाओं में लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी सभा और रैलियां निकाली जा रही है। इसी बीच हरदा विधानसभा 135 में भी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का नामांकन दाखिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरदा पहुंचे। देखिए, चुनाव के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में काम करने के लिए जाता है। आज आपने देखा हरदा की सभा में सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, हजारों लोग सरकारी अफसर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं हरदा में कमल पटेल जी के नामांकन में आया हूँ और आज हरदा में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ अब तक कमल पटेल जी जितने वोटों से जीते हैं उससे कई गुना अधिक वोटों से इस चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं राऊ विधानसभा मालवा अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा जी ने इस बीच आर्यन टीवी नेशनल से इस क्षेत्र के विकास और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्य योजनाओं के संबंध में विशेष चर्चाएं की। मधु वर्मा ने बताया कि हमारे क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजना का भारी लाभ मिल रहा है और विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों का 26,000 से अधिक फॉर्म भरवाकर योजना का उनको लाभ मिल रहा है। देश के चुनाव की चर्चा हो रही है, जहां जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ हम इंदौर के राऊ विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं मधु वर्मा जी, जिनके चहेते सब की देख सकते हैं कि जनता, आप कहीं पे भी जाएंगे तो जनता, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इनको पसंद कर रहा है। नारी योजना, हम कई योजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो लाडली योजना से लेकर हर योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि नारी और अभी चल रही है कांग्रेस की और आपकी चल रही लाडली बहना, लाडली है कि कितने फॉर्म भरे हैं अभी तक? देखिए, लाडली बहना के हमारे यहाँ करीब करीब 65,000 फॉर्म भरे गए। लाडली बहना के पूरी मतलब राऊ विधानसभा के अंदर 65,000 बहनों ने फॉर्म भरे। कितने वोटों से जीतने की संभावना है? देखिए, राऊ विधानसभा में जिस तरह का वातावरण है, मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं समझता हूँ कि यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूँ वातावरण भी आप देख ही रहे हैं, आप लोग घूमे भी होंगे पूरी विधानसभा के अंदर, कहीं ना कहीं मतदाता में एकदम एक तरफा रुझान। आपकी उम्र को लेकर एक कहीं पर सवाल उठा था, लेकिन आपने भी उसका जवाब जो दिया था वो भी कि मैं जवानों से ज्यादा सक्रिय हूँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो कहना है उम्र इसमें आड़े नहीं आती है, जवान भी कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। तो मैंने तो शुरू से ही मतलब मैं समझता हूँ 40 साल से राजनीति जीवन के अंदर में काम कर रहा हूँ, उससे भी अधिक समय हो गया होगा। और मेरी दिनचर्या में सवेरे से उठ के रात तक, सिवाय अपने क्षेत्र के मतदाता, पब्लिक के काम, कार्यकर्ता के काम, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि फालतू मेरे को कोई शौक नहीं है इस तरह का मतलब, और मैं सिर्फ चिंता करता हूँ, सिर्फ मेरे मतदाता की चिंता करता हूँ। पिछला चुनाव जो था वो बहुत कम अंतर से आप हारे थे, लेकिन जनता के भी जितना सक्रिय रहे कि इससे टिकट मिला। पिछले समय में मुझे 13 दिन का समय मिला था विधानसभा के चुनाव का, और उस 13 दिन के अंदर हमने जो 18,500 से हारी हुई सीट थी वो 5,700 वोट पे आ गई थी। और ये सारी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की थी, कार्यकर्ताओं का मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र के लोग, हमारे राऊ विधानसभा के मतदाता का जो मेरे प्रति असीस प्रेम था, उसके कारण यह। और मैं हारने के बाद फिर मैंने लगातार, मैं समझता हूँ, उनकी सेवा, मतदाता की सेवा, क्षेत्र के नागरिकों की सेवा, कार्यकर्ता के काम लगातार करता रहा। कांग्रेस की भी कोई योजनाएं चल रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए कांग्रेस की तो कोई योजना चल भी नहीं रही और ना होगी। आजादी के बाद से आप देखें कि कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं। आप देखें कि पिछले चुनाव में ये लोग गए थे कि 2 लाख का हम लोग ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000, अपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक मध्य प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चलाई थी, इसमें कम से कम 7-8 लाख परिवारों की उन्होंने सामूहिक विवाह के अंदर शादी कराई थी और उसके अंदर 25,000 रुपये बेटियों के नाम पे चेक देते थे। कांग्रेस ने चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर ये घोषणा करी थी कि 51,000। मैं समझता हूँ तीन मैंने बताई ऐसी बहुत सारी घोषणा उन्होंने करी थी, तीनों जगह पे उन्होंने कहीं मतलब एक भी योजना पे उन्होंने काम नहीं किया। उल्टा ये हुआ कि किसानों के जो ऋण थे, जो लोगों ने इस लालच में भरे नहीं थे कि कांग्रेस आएगी तो ये ऋण माफ कर देगी, मैं समझता हूँ उनने एक भी नहीं, और वो जिनके ऋण थे वो डिफॉल्टर हो गए, जिनका 2 लाख था उनका 3 लाख ब्याज चढ़ गया, और मैं समझता हूँ कि वो बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने बाद में अभी उनके ब्याज माफ करने का निर्णय लिया और कई लोगों के ब्याज भी माफ करे ताकि उनके खाते रेगुलर हो जाए। आपको क्या लगता है, आप जो लाडली बहना योजना है इसके बाद कांग्रेस ने जो 1500 रुपये किया उसका कोई फर्क पड़ा जनता में? कि देखिए उन पर तो विश्वास ही हट गया, मैं समझता हूँ कि वो तो सिर्फ नकल करना जानते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई योजना लाती है तो उसको बढ़ा करके सिर्फ घोषणा करना, उनके पास खुद का तो कोई सोच है ही नहीं है। अगर उनका सोच होता तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी ये कर सकते थे ना। माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से 15-20 साल के अंदर मध्य प्रदेश का विकास किया है और पानी बिजली रोड्स मैं समझता हूँ जो डेवलपमेंट के काम किए, इनके पास तो कुछ सोच ही नहीं थी ना। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब वो दिग्विजय सिंह थे तो मध्य प्रदेश के अंदर बिजली के पते नहीं थे, खेती की बिजली में ऐसी स्थिति थी कि घंटे 2 घंटे कभी आती थी और किसान पानी फेरने जाता था खेत तक बंद हो जाती थी, पूरा शहर शाम को देखो तो अंधेरे में डूबा रहता था, ऐसी स्थिति कर दी थी दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार ने। बाद में रोडों के लिए भी स्थिति ये थी कि मतलब रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है उसके पते नहीं थे, पानी के पते नहीं थे। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस 20 साल के अंदर पूरे प्रदेश की रोडों की दशा आप देख लें कितनी अच्छी कर दी है। बिजली की स्थिति ये है कि पूरे 24 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, 10 घंटे बिजली मिलती रेगुलर मिलती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर 5 से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हाडिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस चर्चा में महेंद्र हाडिया ने जीत का दावा पेश किया है। आपको बता दें कि महेंद्र हाडिया 2003 से 2018 तक के सभी चुनाव में लगातार 4 बार बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं। इस खास चर्चा में महेंद्र हाडिया ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव 2023 के संग्राम में आज हम पहुंचे विधानसभा इंदौर 5 में, जहां पर हमारे साथ महेंद्र जी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, इनका नाम जाना जाता है धमाकेदार जीत के साथ। आप कितने बार जीत हासिल आप करते हैं, इस बार क्या लगता है कैसे जीतोगी? पिछले 4 बार से इस विधानसभा में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो 5वीं बार भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ जनता मुझे आशीर्वाद दी। मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि क्या सीटों का काम है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली थी और जनता ने मुझे इस बार क्या लग रहा है इस योजनाओं के साथ जनता के हमारे काम है, हमारे पार्टी के काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम है, मुख्यमंत्री जी के और हमारे नगर निगम के काम है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हर हालत में बहुत अच्छे बच्चे जीते। लाडली बहनों का योजना चलाई मध्य प्रदेश में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मा संबल योजना, आशा आयुष्मान कार्ड योजना, कितनी योजना लागू कर रहे हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। अभी भी क्या क्या विकास हुआ है, आगे क्या क्या विकास करने वाले? देखिए जहाँ पर बैठे हैं यहाँ सोचने का सबके नहीं थी देने नहीं थी उनके खम्भे नहीं थे, धीरे धीरे करके हम लोग ठीक यहाँ बताइए पानी की टंकी भी यहाँ बन गई है क्योंकि उसको अभी पूरा भरा नहीं जा रहा है, जिस दिन भरेगी उस दिन या पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप क्या कांग्रेस के पिछली बार भी थे, पिछली बार भी आ रहे थे, मुकाबला कभी आप देखते हैं? आगे बैठा मुकाबला तो हमारे कार्य था भी थे उन्हीं से मुकाबला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका बिगुल।
टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर सम्मेलन कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। इसी सम्मेलन में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी शामिल हुए और टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी नेताओं ने आज हजारों मतदाताओं को इकट्ठा कर शक्ति प्रदर्शन किया है और अपनी ताकत दिखाते हुए चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भी भर दी है। असंतोष के चलते पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कुछ दिनों पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि टिकट के दावेदार राजेंद्र तिवारी ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि जिले की राष्ट्रीय स्तर की एक नेता की जाति के जिले में 64,000 वोट हैं। वो हर चुनाव में अपने वोटों के आधार पर बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करती है। इस बार भी टिकट वितरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को गुमराह किया गया है। देखो क्या है, अगर हम जगह पे हम लोगों को मन नहीं बनोगे, बिल्कुल शुद्ध भाषा में कह रहे हैं कि उतनी सहमति देखी चाहिए ना उस दल के लिए जिस दल पे हम आई है, जिस पे हमारी सहमति है उस पे के दोनों का तय कर देंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे दोनों में से 10,000 ताकत के साथ। नाम कोई भी हो सकता है, लड़ेंगे दोनों ही। दोनों ही नाम एक रहे, नाम एक ही रहेगा, लेकिन एक और एक 11 है तो दोनों ही। आज हम लोग सब तय करेंगे, 30 को भारत भरा जाएगा, आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाएगा, पूरा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लक्ष्य क्या रहेगा चुनाव में जीतने का? और वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। वहीं दल बदल का दौर भी इस दौरान जारी है। भिंड में बीजेपी विधायक संजीव सिंह को टिकट न मिलने के चलते उसके बाद से बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि सेन जैन बीजेपी से बगावत कर भिंड विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। रवि सेन जैन ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपनी जीत का भी दावा किया है। भिंड विधानसभा में लगातार दल बदल की राजनीति से बदलते समीकरण नजर आ रहे हैं। देखिए, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया। जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इन्हें कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। यह कार्य स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने मांग किया है जिला निर्वाचन अधिकारी से और केंद्र निर्वाचन आयोग से कि अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर आदर्श आचार संहिता के वॉयलेशन का केस दर्ज होना चाहिए और सख्त और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा होगा विकास के लिए कि हम भिंड विधानसभा के जो नया गांव बेल्ट है कपिल, उस बीच में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, नंबर वन। नंबर दो, भूमरी को नगर पंचायत घोषित कराएंगे। नंबर तीन, सैनिक कॉलेज का जो कोरा लॉलीपॉप भिंड को दिया गया था, हम भिंड में सैनिक कॉलेज की स्थापना करवाएंगे, जिससे हमारे लाखों वीर जो युद्ध भूमि में आहुति देने में भी काम आते हैं, उनको खाली सिपाही नहीं, हम उनको अधिकारी बनाने के लिए सैनिक कॉलेज की स्थापना इस बेल्ट में जाकर हमारा प्रयत्न है। ग्वालियर इटावा रोड पर काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर हमारा सैनिक कॉलेज बने, न कि जाकर के वहाँ हमारे कॉर्नर पर बने, जिसका लाभ भिंड के लोगों को नहीं मिले, ग्वालियर के लोगों को मिले, ये हमको स्वीकार नहीं। नंबर चार, हमारी मांग है कि मेडिकल कॉलेज जब आप हर जगह दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए, परंतु आपके कोरे लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, हमको आप तुरंत दें। ये हम सरकारों से, चाहे हम केंद्र में बैठे हो सरकार है,
चाहे प्रदेश में हमारी सरकारें बैठी हों, हर जगह से हम इस चीज को उठाएंगे। नंबर पांच, हमारी मांग है कि यहाँ ट्रेनों को बहुत लंबा समय हो गया। अब खबर रतलाम से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने चुनावी मैदान में है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद से हर ओर आचार संहिता का पालन हो रहा है। तो वहीं इंदौर से रतलाम जाने के नगर निगम द्वारा रास्ते पर बनाए गए गेट पर दादा के पोस्टर और उनके चुनावी निशान पंजे के साथ बड़े शान लोगों का रतलाम में स्वागत कर रहे हैं और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हो रहा है। रतलाम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए साफ साफ दिख रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद से पारक सकलेचा उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। रोड के बीचों बीच आप देख सकते हैं रास्ते में बोर्ड लगाया गया है, जिसमें प्रचार के स्लोगन को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पारस सकलेचा ने ये उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगा है। हम पहुंचे हैं रतलाम जिले के, रतलाम जिले शहर की बात की जाए, पारस दादा सकलेचा के नाम से जाना जाते हैं। इनको कांग्रेस से टिकट मिला है, कांग्रेस प्रत्याशी। जो हम बता दें कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा है। हम जो मैं इनसे बताना चाहूंगा कि वो जो फ्लेक्स लगा है, इनका जो आवागमन के जो साधन है, इस पर सोच नहीं उम्मीद नहीं, इसके तहत कांग्रेस प्रत्याशी का उन्होंने फ्लेक्स लगाकर विरोध देखने को मिल रहा है भाजपा का। लेकिन यह देखने का एक ही मकसद है कि जो भी आता है जाता है उसकी निगाह एक ही है, जो पारस दादा सकलेचा के ऊपर, जो उनका सिंबल बना है हाथ का पंजा, जिसके ऊपर जो ये सरेआम आचार संहिता को चैलेंज करने की बात की जा रही है। जिला प्रशासन हर ओर मुस्तैद है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन पूजा के साथ में राहुल बैरागी, रतलाम। सीएचपी ब्रजेश कुमार के अनुसार बीएन यादव अपने दामाद के घर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि सीएचपी ब्रजेश कुमार के अनुसार बीएन यादव अपने दामाद के घर कानपुर में लगभग 1800 गज जमीन का सौदा कर 1 करोड़ रुपए में करके राशि लेकर लौट रहे थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुपयों के संबंध में दस्तावेज मांगे, जहां बीएन यादव कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। सूचना मिलते ही एफएसटी टीम मौके पर पहुंची और राशि को जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं इस मामले की जांच अब जिला स्तर की कमेटी करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बडनगर में कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी का टिकट काट दिया है। मुरली मोरवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। खबर फैलते ही मोरवाल समर्थक गांधी चौक कार्यालय से खुशी मनाते हुए फूलों की मालाओं से स्वागत करते हुए उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे। वहीं दूसरे पूर्व उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वहीं मुरली मोरवाल की ओर से बताया गया है कि मुझे टिकट मिला है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिला है। भरोसा जताया है, साथ में प्रदेश के प्रभारी सुजय जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व माननीय दिग्विजय सिंह जी और सभी नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस की लड़ी लड़ी है, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा मैंने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है और मैंने हमेशा विकास के काम किए हैं। सर्वे के आधार पर टिकट मिला था और सभी सर्वे में टॉप था, और जो सर्वे के आधार पर टिकट मिला उसको कुछ दलालों के माध्यम से टिकट देने के बाद में वापस परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है इतना जो इतना वहाँ दे सकूं, पर पैसे के बल पे टिकट परिवर्तित हुआ है। ये 10 लोग वहाँ गए, धरना दे दिया और टिकट चेंज कर दी वहाँ पे। अगर ये निर्णय अगर नहीं बदला गया तो उज्जैन जिले की 7 विधानसभा इससे प्रभावित होगी। ये कांग्रेस सुन लो। अब खबर भिंड से है, जहां शक्ति प्रदर्शन के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा चुनावी शोरगुल के बीच भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने भिंड से राकेश चौधरी, अटेर से हेमंत कटारे और लहार से गोविंद सिंह के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर इन प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा कराए। इस दौरान प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की हालत दयनीय हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। और उन्होंने साथ ही कहा है कि बीजेपी के राज्य में गरीब, मजदूर और किसानों को दबाया और कुचला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भिंड जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आज मैंने फॉर्म दाखिल कर दिया है और आज के बाद मैं कांग्रेस का अधिकृत कैंडिडेट हो जाऊंगा प्रक्रिया के तहत। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा पुनः, और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को जिनकी पुकार पर सर्वे पर मेरा नाम आया, टिकट हुआ और आज मैं नामांकन भरा और इस कदम पर आगे बढ़ रहा हूं। और जनता से, जनता जनार्दन से आशीर्वाद करूंगा कि मुझे अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दें। ब्राह्मण और पंडित लोगों से बिना आशीर्वाद लिए, बिना मुहूर्त निकलवाए तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, और ये तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जब डिक्लेयर की लिस्ट अपनी, तो 9 दिन जब शुरू हुए नौमी का पीरियड, तब उन्होंने लिस्ट जारी की है सुबह। तो मुहूर्त देख के चलना, तो हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन को देख के चलते हैं, मुहूर्त देख के चलते हैं। 10 साल बाद आपको कांग्रेस से टिकट मिला है भिंड से, तो पहले जैसी स्थितियां हैं, लोग आपके साथ अपना जुड़े हुए हैं या अभी संघर्ष जारी है? अभी आपको रिजल्ट में मालूम पड़ेगा, मेरे साथ पूरी कांग्रेस है। नामांकन पार्टी ने हमारी ने हम पर विश्वास किया और हमें लाहौर क्षेत्र से 8 बार विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार भ्रष्टाचारी सरकार का अंत होगा। वहीं दशहरे का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी बोले कि बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ही इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जीतू पटवारी जिला निर्वाचन कार्यालय में जब अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बीजेपी के मधु वर्मा से उनका आमना सामना हुआ, जहां जीतू पटवारी ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद भी लिया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ के निर्देश पर शुभ मुहूर्त में उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा करवा दिया है। पावन पर्व हम सब मनाए, हम पूरे देश ने मनाया, पूरी दुनिया ने मनाया, जिसमें धर्म की जीत हुई है, असत्य का नाश हुआ है और अहंकार के पराकाष्ठा का सर्वनाश हुआ। फिर एक पर्व लोकतंत्र का, जिसमें प्रजातंत्र को ताकत देने के लिए जनता के हाथ में ताकत होती है, उसका पर्व भी मध्य प्रदेश में फिर आया। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।